स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। जो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि जो आपका होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ओके बच्चों, आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर क्या होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, आपका फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है ना, राइट। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है कि एक होता है आपका स्केलर, ओके, और एक होता है वेक्टर। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया लेंथ, ठीक है, सपोज और क्या बोल रहा हूँ टाइम, वॉल्यूम, ओके, फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो देखो बच्चों, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ठीक है। ये एग्जांपल चीज पे हम देखेंगे कि इसमें ये आपका क्या है, सारे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा स्केलर एंड कौन सा वेक्टर हो रहा है, ठीक है। बच्चों देखो, लेंथ क्या होगा बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है बच्चों, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, एंड सपोज मेरा जो हाइट है, सपोज मान लो कि 5 फुट 5 फीट 6 इंच, ठीक है, सपोज मेरा हाइट जो है 5 फीट 6 इंच। तो अब मुझे बोलो कि इसमें, ठीक है, मेरे हाइट को मेजर करने में क्या कुछ डायरेक्शन का जरूरत है? नहीं, मैं बस टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, बस मैं मेरा हाइट मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सिमिलर टाइम भी क्या होगा बच्चों, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, राइट। टाइम भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। देन बात रहा फोर्स। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज की यहाँ एक बॉल है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर सपोज एक बॉल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉल पे कुछ फोर्स यूज करो, ठीक है ना। जो बच्चों, ये बॉल पे मैं कुछ फोर्स दूंगा, यानी कि अभी आपके दिमाग में कुछ से जाएगा, सर हम जो फोर्स देंगे कौन से डायरेक्शन पे देंगे? किसने बोल रहा है कि सर क्या हम इस डायरेक्शन पे फोर्स देंगे? जब इस डायरेक्शन पे आप फोर्स देंगे तो आपका बॉल यही पे डिस्प्लेस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। सपोज आप इस बॉल को यहाँ से, ठीक, सपोज यहाँ से फोर्स दे रहे हैं तो ये बॉल आपका यहाँ आएगा, ठीक है। सपोज आप नीचे से दे रहे हो, ठीक है, तो ये बॉल आपका ऊपर से आएगा। यानी कि फोर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन हमें जरूरत है कि सर कौन सा डायरेक्शन पे हम फोर्स देंगे। बात समझ रहे हैं क्या? और अभी एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। कि मैं बोलूंगा कि एक पॉइंट से और एक पॉइंट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता है, बात आता है सर कहां से कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल था आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिक्स के पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। सो बेसिकली वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो, बेसिकली आपका वेक्टर क्या होता है कि ये एक डायरेक्टर लाइन है, ठीक है ना। वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टर लाइन, ठीक है। देखो बच्चों, डायरेक्टर लाइन क्या है कि मान लो बच्चों, ये क्या है, एक लाइन, ये क्या है, एक लाइन। बट मैं बोल रहा हूँ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, आप वेक्टर और यू में राइट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या कह रहा था बच्चों, ए वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन, ए वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां ऐसे एक लाइन है जो कि ए बी, राइट। तो इसमें क्या कुछ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नहीं। अगर मैं इसे ऐसे लिख लू, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख लिया कि ये आपका ए, सपोज ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है, ए से बी, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो लाइन का डायरेक्शन है, ठीक है। और इस जो लाइन का हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर लाइन बोलते हैं। आपका वेक्टर, आपका जो वेक्टर क्या होती करते हैं, वो भी यही होता है, ठीक है, कि डायरेक्टर लाइन होता है। ये जो वेक्टर बन सकता है, ये जो वेक्टर बन सकता है, ये जो वेक्टर बन सकता है, ये सब क्या है बच्चों, एक है वेक्टर, ठीक है। राइट, ये वेक्टर में जो आपका ये पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। आपको समझ में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट।
बहुत ही बेसिक से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चो। इसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। एंड ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखते हैं ए बी के ऊपर ऐसे एक एरो देना है, ठीक है। यानी कि ये ए से बी तक जा रहा है, आपका जो इनिशियल पॉइंट है ना ये होगा ए, एंड आपका जो टर्मिनल पॉइंट होगा बी, और इसे आप टेल एंड इसे आप हेड भी बोल सकते, ठीक है, हेड एंड टेल भी बोल सकते, ठीक है। सिमिलर अगर मान लो मैं यहाँ एक वेक्टर लिखा सी डी, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे सी डी वेक्टर, ठीक है बच्चों। सपोज मैंने इसको लिखा ई एफ, तो ये आपका ऐसे वेक्टर बन जाएगा, बात समझे। तो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ए बी, या तो फिर इन जनरल हम इसे एक और एक स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि रहा ए, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर, ये जो आपका ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर बोल के, ठीक है। तो इसको भी मैं सपोज ऐसे लिख सकता हूँ बी वेक्टर, सपोज ये आपका क्या हो गया डी वेक्टर, सपोज ये आपका हो गया ई वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे स्मॉल लेटर देना है, स्मॉल लेटर के ऊपर ऐसे आपको एन मार्क देना है, बहुत ही बेसिक आप लोगों को, ठीक है। तो ये था कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि वेक्टर क्या होता है, कि ये डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वेक्टर क्या, अब देखते हैं पोजिशन बच्चों। बेसिकली जो पोजिशन वेक्टर है ना एक पॉइंट का, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट का हम बेसिकली पोजिशन वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। सो और पंद्रह साल ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कहाँ से रहता है, ठीक है बच्चों। ये जो पॉइंट है ना ये आपका थ्री डी स्पेस पे रहेगा, ठीक है। यानी कि कहीं भी आपका यूनिवर्स में कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पोजिशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये जो पोजिशन वेक्टर है ना, हम पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सपोज मान लो कि मैं यहाँ एक 3D स्पेस लिया, ठीक है। सपोज ये रहा आपका x एक्सिस, एंड ये रहा y एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस। बच्चों इस चैप्टर में हम पूरा 3D स्पेस पे ही करेंगे, ठीक है, आपका 3D स्पेस पे ही करेंगे, राइट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कि सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ बच्चों, ये जो 3D है ना, ये पूरा आपका इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है। आपको पूरा इमेजिन करना है कि कैसे चीजें बनता है, राइट। बात बहुत ही आसान है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया P, ठीक है। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ये रहा आपका पोजिशन, ठीक है। आप लोग तो क्लास 11 में ऑलरेडी 3D पढ़े हो, ठीक है। देखो तो मुझे ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ ये जो आपका पॉइंट पी है, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट का हम पोजिशन वेक्टर फाइंड करेंगे, राइट बच्चों। ये पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, ठीक है, पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। बेसिकली क्या होता है, जो आप पी एंड वो को जॉइन करोगे, यानी कि वो पी, राइट, ये जो आपका वो से पी, ये जो आपका वेक्टर होता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होता है बच्चों, पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। यानी कि आप मान लो कि 3D स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, कि वो पॉइंट ओरिजिन से, ठीक है, जो ओरिजिन एंड वो पॉइंट को जॉइन करने से, राइट, जो वेक्टर बनता है वो क्या होता है बच्चों, वो पर्टिकुलर पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। अच्छा, तो इसमें आपका वो पी क्या हो गया बच्चों, पोजिशन वेक्टर हो गया, राइट। एंड इसमें वो यानी कि आपका ओरिजिन 0 0 0 इज द इनिशियल पॉइंट, आपका इसमें आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, एंड पी ऑफ एक्स वाई से इज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो आपका ओपी वेक्टर में वो हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, पी हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। एंड ये ओपी वेक्टर का हम क्या बोलते हैं बच्चों, पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बोलते हैं, पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। बच्चों देखो, इन जनरल मैं यहाँ अभी एक पॉइंट पी लिया था, इन जनरल आप कहीं भी एक पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट ले रहे हो, वो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, उसको बेसिकली हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो आपका ओपी वेक्टर है ना, ये ओपी वेक्टर को हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली इन जनरल इसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लिया था कि सपोज किसी ने और एक पॉइंट और कहाँ ले रहा है, ठीक है, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा,
ओरिजिन से वो पॉइंट में जो वेक्टर बन रहा है वो तो होगा पॉइसन वेक्टर ना। सो इन जनरल पॉइसन वेक्टर को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों आपका, वो भी बस समझ में। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का भी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ बच्चों मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि आपकी जो लेंथ होता है, ठीक है, वो से पी तक, ठीक है, आर वेक्टर यानी कि वो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि उसका लेंथ, ठीक है, उसका लेंथ, उसका लंबाई, यानी कि ओरिजिन से पी तक, वो से पी तक जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये क्या होता है बच्चों, वो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं या मॉडुलस भी, मोड, ठीक है, यहां से देखना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, ये कुछ है आपका वो से पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। वो का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 0 0 एंड पी आपका एक्स वाई सेट, ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इसे, ठीक है, ये वैल्यू को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो आपका आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, आपको इन जनरल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आर क्या है बच्चों, ठीक है, आर क्या है, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड, ये चीज आपको याद है। देन आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड। आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन क्रॉस साइन। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे डायरेक्शन कॉसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। बच्चों ये आपका वेक्टर में इतना इसका यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन थ्री में बहुत ही वेटेज है इसका, ठीक है, ध्यान से सुना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। डायरेक्शन कॉसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, बच्चों अभी मैंने क्या किया है, पॉइंट लिया पी, ठीक है, जो थ्री स्ट्रेस है, ये सपोज आपका ओरिजिन, ठीक है, और मैंने क्या किया वो एंड पी को जॉइन किया, ठीक है, वो एंड पी को जॉइन किया एंड ये ओपी क्या है बच्चों, ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सपोज ये सपोज आपका A एंड ये पॉइंट B एंड सपोज ये आपका पॉइंट, ठीक है, और मैंने क्या किया, मुझे ध्यान से सुना, बस आपको कुछ नहीं इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, ठीक है बच्चों, एक 3D स्पेस है, ठीक है, इसे 3D स्पेस है एंड यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है। तो ये पॉइंट को आपको क्या करना है, ये पॉइंट को आपका x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है एंड z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है। जो समझ रहा चाहिए आपको बस इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, जैसे कि मान लो कि ये आपका 2D है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है P, ठीक है, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई कैसे होगा बच्चों, आप देखेंगे कि x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर दिया एंड y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर दिया, तभी तो ये आपका पॉइंट बनाना x y, बात समझ में आए बच्चों, ध्यान से सुना। और मैं क्या करूंगा, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट को यहाँ x आपका y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर दिया, राइट, सिमिलरली क्या किया बच्चों, एक आपका x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर एंड उसके बाद आपका z एक्सिस के ऊपर है परपेंडिकुलर। बच्चों कुछ नहीं, आपको बस ये इमेजिन करना है, ठीक है, कि ऐसे पॉइंट P है, ऐसे पॉइंट P है, मान लो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, आपने क्या किया, इसको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिए, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिए एंड z एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिए, ठीक है, बस 3D कुछ नहीं, 3D वेक्टर ये पूरा इमेजिनेशन है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, सो बच्चों अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा बीच बीच में, ऐसे आपका 2D, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राई करूंगा चीजों का आपको समझाने के लिए, ठीक है, बट आपको इमेजिन करना है 3D में, ठीक है। देखो तो ध्यान से सुनना मुझे, क्या आपका क्या हो गया पॉइंट P, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट P एंड ये रहा आपका OP, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये रहा आपका OP, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये जो आपका OP है, ठीक है, अच्छा ये आपका जो OPA, ध्यान से सुना OPA, ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी कि ऐसे इस कोण पे है ना, ये सपोज आपका वो, ये आपका हो रहा है A, ये हो रहा है आपका P, ठीक है, आपको इमेजिन करने की इस टाइप का है, ठीक है, ये क्या हो रहा है बच्चों आपका परपेंडिकुलर, बात समझ में, ध्यान से सुना बच्चों, ये क्या होगा, ये जो आपका OB, ठीक है,
ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर, ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनाता है, मान लो ये एंगल को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। एट ओपी वेक्टर बी एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनाता है, सपोज उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है बच्चों। एंड जेड एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनाता है, सपोज मैं उसको गामा से रिप्रेजेंट किया हूँ। चीजों को समझा बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें आपका जो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इसमें आपका अल्फा, ठीक है बच्चों, ये जो आपका अल्फा बीटा गामा रहा, ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, योर अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। चीजों को समझो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन एंगल। एंड ये एंगल का, ये जो तीन एंगल हुआ आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है बच्चों, कि अल्फा ओपी वेक्टर एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो एंगल बनता है वो है आपका अल्फा। बीटा क्या है, वाई एक्सिस के साथ आपका ओपी वेक्टर जो एंगल बनाता है वो है आपका बीटा। एंड जेड एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर जो एंगल बनाएगा वो आपका गामा, ठीक है। ये तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा गामा का कोसाइन है, अल्फा बीटा गामा का कोसाइन वैल्यू, यानी कि उसका कॉस वैल्यू, उसका कॉस वैल्यू वो क्या कहलाता है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा, ठीक है, एंड कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कि डायरेक्शन कोसाइन्स आर द एंगल्स, आर द एंगल्स ऑफ कोसाइन्स ऑफ एंगल्स, कोसाइन्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, और आप ऐसे बोल सकते हो कि कोसाइन्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, जो कि आपका डायरेक्शन एंगल्स है ना, उसका कॉस वैल्यू, उसका कॉस वैल्यू, उसका हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा, अभी जैसे कि हम यहाँ रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है, तो ये आपका क्या था बच्चों, ये था आपका वो ए पी था, राइट, एंड ये था आपका परपेंडिकुलर, ध्यान से सुना, ये था आपका 90 डिग्री, एंड ये एंगल क्या था, ये एंगल था आपका अल्फा, ध्यान से सुना, ये एंगल क्या था बच्चों, अल्फा, एंड वो ए क्या है बच्चों, एक्स, जिसे नाम यहाँ दिया है एक्स वाई जेड, यानी कि आपका वो ए क्या है, एक्स यूनिट, एंड आपका वो बी वाई यूनिट, सिमिलरली वो सी क्या है बच्चों, जेड यूनिट। बात को समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बोलो ये अल्फा का कॉस वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुना, ये अल्फा का कॉस वैल्यू, यानी कि कॉस अल्फा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें बेस क्या है एक्स, एंड हाइपोटेनस क्या है बच्चों आर, मैंने आपको कहा था इससे पहले पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है, तो जो पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट एक्स वाई जेड होगा, देन इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, वो पी होगा, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कॉस अल्फा इक्वल क्या हो रहा है बच्चों, कॉस अल्फा इक्वल ये बोल रहा है आपका एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बस समझ में। सिमिलरली कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या होगा बच्चों, ये तो आपका वाई, राइट, ये आपका वाई, एंड ये रहा आपका आर, सो कॉस बीटा इक्वल क्या बन जाएगा, वाई बाई आर। सिमिलरली कॉस गामा इक्वल क्या बन जाएगा बच्चों, जेड बाई आर, ठीक है। तो ये आपका कॉस अल्फा हो गया एक्स बाई आर, कॉस बीटा है ये कॉस गामा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, एंड ये डायरेक्शन कोसाइन को आपका जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को, ठीक है, कॉस गामा को, इसको हम और एक टर्म से रिप्रेजेंट करते, जो होता है आपका एल एंड एन, बस समझ लिया बच्चों, हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हो एल एफ आर, वेयर एल एफ आर आर द डायरेक्शन कोसाइन, एल का मतलब क्या होता है कॉस अल्फा, एन क्या होता है कॉस बीटा, एन क्या होता है कॉस गामा, बस समझ गए बच्चों। अगर हम इसे अगर समराइज कर ले तो क्या बन रहा है बच्चों, एन इक्वल टू बन रहा है एक्स बाई आर, एन इक्वल टू बन रहा है वाई बाई आर, एंड एन इक्वल टू बन रहा है जेड बाई, बस समझते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, आई होप यहाँ तक बस सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन, अब देखते हैं डायरेक्शन रेशियो, देखो बच्चों डायरेक्शन रेशियो, इट शोज बाय इट्स नेम रेशियो,
ध्यान से सुना बच्चों, रेशियो रेशियो बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? रेशियो रेशियो कुछ नहीं, बेसिकली ये तीन नंबर्स होते हैं, ठीक है? एक तीन नंबर्स होता है, एक आपका क्या है, तीन नंबर होता है, तीनों नंबर को, ठीक है? तीन नंबर को हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, तीन नंबर को हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। कब? जब वो तीनों नंबर, ध्यान से सुना, जब वो तीनों नंबर कि ये वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल होगा, वो तीनों नंबर का हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है? डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? सो ये रहा आपका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है? यहां से सुनो बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं बच्चों? दीज आर द नंबर्स, बेसिकली डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? दीज आर द नंबर्स ए बी सी, ए बी सी तीनों ऐसे नंबर्स सच दैट these are proportional to direction cosine of OP vector। आप समझ गए बच्चों? आपका OP vector का direction cosine के साथ क्या होगा बच्चों? proportional होगा, ठीक है? क्या होगा उसका? प्रोपोर्शनल। अगर सिंपली बोले तो जब ए बी सी, ठीक है, जब ए बी सी ये तीनों नंबर को हम डायरेक्शन रेशियो को करेंगे बच्चों, जब ये तीनों नंबर डायरेक्शन कोसाइन के साथ यानी कि एल एम एन का क्या होगा? प्रोपोर्शनल। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है दैट इज ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एन इक्वल टू सी बाई एन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। समझने को चाहिए क्या हो गया आपका? a बाई एन, बी बाई एन, सी बाई एन इक्वल सब कॉन्स्टेंट के, यानी कि आप देखो बच्चों आपका a n b n c n ये सब क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनल। समझना, इससे अगर और सिंपलीफाई करें, ध्यान से और सिंपलीफाई करें क्या होता है बच्चों? देखो जब n इक्वल टू x बाई आर होगा, ध्यान से जब n इक्वल टू x बाई आर होगा और मुझे बोलो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आर एन होगा। सिमिलरली इसमें आपका y इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आर एम होगा, ओके? एंड इसमें सी बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आर एन होगा। आप समझ में, ठीक है? एक्स इक्वल हो गया आर एन, वाई इक्वल हो गया आर एन, एंड जेड इक्वल क्या हो गया बच्चों? आर एन, ठीक है? आर एन। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ये जो आर एन, ठीक है, ये आर एन को मैं बोल रहा हूँ सपोज ए, ये सपोज आपका बी, एंड ये सपोज आपका सी, ऐसे में तीनों नंबर से रिप्रेजेंट किया हूँ। आर एन को मैं ए से रिप्रेजेंट किया हूँ, आर एन को बी से रिप्रेजेंट किया हूँ, एंड आर एन को सी से रिप्रेजेंट किया हूँ। जो मैं ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ए के जगह में मैं क्या पुट करूंगा बच्चों? आर, ठीक है, ए सॉल्व करो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आर एन डिवाइडेड बाई आर इक्वल, ये आपका क्या होगा? ये आपका बन जाएगा आर एन डिवाइडेड बाई आर, राइट, सॉरी डिवाइडेड बाई एम, दिस इज डिवाइडेड बाई एम, दिस इज डिवाइडेड बाई एम, एंड ये आपका बन जाएगा आर एन डिवाइडेड बाई एम, ठीक है? तो इसमें सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा बच्चों? आर। बात समझ गए बच्चों? एक कांस्टेंट बन जाएगा, चीजों समझ गए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो आपका आर एन आर एन आर एन, यानी ये सब क्या था? यानी आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या था बच्चों? डायरेक्शन रेशियो। अभी आप बोलोगे कि सर इतना कुछ बोलने का जरूरत क्या था आपका? ए बी सी ये सब बोलने का जरूरत क्या था? आप तो सिंपली भी बोल सकते थे कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपका डायरेक्शन रेशियो, हाँ ये हो सकता है बच्चों, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होता है? यानी कि किसी भी जो पॉइंट आप ले रहे हो, ठीक है, थ्री डी स्पेस पे जो किसी भी पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पूछ रहे हैं तो वो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया है वो आपका बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो, यानी कि एक्स वाई जेड क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ओपी। आई होप यहाँ तक बस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर, सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का कुछ टाइप्स है, ठीक है। सो बच्चों देखो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख लिया हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके, एंड जो भी आपका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है, ताकि आसानी से आप लोग समझ पा रहे, ठीक है। देखो पहले देखते हैं नॉन और जीरो वेक्टर, नॉन और जीरो वेक्टर बच्चों, नॉन और जीरो वेक्टर क्या होता है? कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, यानी कि मान लो कि मैं एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये एक वेक्टर है,
ये भी क्या है एक वेक्टर है। अभी आप बोलोगे सर ये आपका जो नॉन वेक्टर और जीरो वेक्टर बोले, ठीक है, नॉन वेक्टर और जीरो वेक्टर बोले, इसका डायरेक्शन क्या होगा? बच्चों इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन, राइट। मान लो आपने कह दिया कि ऐसे एक वेक्टर लिए, ठीक है, सपोज ऐसे एक वेक्टर लिए, ये सब क्या होता है बच्चों कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और वी कैन से दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर से, ठीक है, इसे आपको जीरो लिखना है एंड ऐसे वेक्टर साइन देना है, ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो वेक्टर। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका जीरो वेक्टर। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर। बच्चों देखो यूनिट वेक्टर क्या है, कि एक वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट, ध्यान से सुना, जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट, वन नहीं बच्चों, वन यूनिट में बोल रहा हूं, इट मे बी वन मीटर, वन किलोमीटर, वन सेंटीमीटर, कुछ भी, लेकिन वन, ठीक है, वन यूनिट लिखना, आपको सिर्फ एंड सिर्फ वन नहीं लिखना है, ठीक है, वन यूनिट लिखना है, राइट। मान लो मैं यहाँ एक वेक्टर लिया, ठीक है, सपोज ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, वन यूनिट, ठीक है, वन यूनिट हो गया, देन ये वेक्टर का हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए कैप से, ठीक है, ए लिखना है एंड ऐसे कैप साइन लिखना है, ठीक है, ए कैप, राइट। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, यूनिट, यानी कि वन यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट, वो आपको क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर। बच्चों को इनिशियल को यानी कि सेम, इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर को बोलेंगे, जो वो वेक्टर का, ठीक है, जो वो सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम, जो वो सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम, ठीक है। सो मान लो कि ये एक वेक्टर है, सपोज ए भी एक वेक्टर है, सिमिलरली सपोज ए सी एक वेक्टर है, ठीक है, एंड सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए डी भी एक वेक्टर है, ठीक है, ये देखो बच्चों ये सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, इसके हिस्सा हम क्या बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जब इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसको हम बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोलिनियर, ध्यान से सुना, कोलिनियर, इसमें लाइन की बात नहीं बोल रहे, कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम कोलिनियर बोलेंगे, कब, जब वो वेक्टर पैरेलल होगा, बस समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो वेक्टर पैरेलल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल, ठीक है, क्योंकि मैं दे लिख रहा हूँ, सो हम लिख लेंगे बस, ये सब क्या होगा बच्चों, वो सब आपके यहाँ पैरेलल होगा, ठीक है, और यू कैन राइट दे आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट लाइन दिया है उसके साथ सब क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, एंड सपोज ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, ये आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, सॉरी कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। देखो बच्चों ये आपका कोलिनियर हुआ, सपोज किसने लिखा है ऐसे ए वेक्टर, एंड यहाँ लिखना है बी वेक्टर, बच्चों ये भी आपका पैरेलल हो रहा है, बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये भी आपका पैरेलल हो रहा है, ये भी पैरेलल हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे क्या करते हैं कि इसका एकदम नीचे लिखने से पैरेलल ऐसे नहीं बच्चों, ठीक है, ये भी पैरेलल, ठीक है, अगर मैं लिखूं ऐसे लिखूं, ठीक है, ये वेक्टर एंड सपोज ये वेक्टर, राइट, ये भी आपका पैरेलल होगा, सपोज ये रहा आपका ए वेक्टर, सपोज ये आपका बी वेक्टर, ये द्वारा क्या होगा पैरेलल, ठीक है। सो इसी टाइप वेक्टर का हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, राइट, इस टाइप वेक्टर का हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इक्वल वेक्टर। बच्चे इक्वल वेक्टर क्या होता है कि किसी भी दो वेक्टर, राइट, किसी भी दो वेक्टर को हम कब इक्वल वेक्टर बोलेंगे, जब वो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, ठीक है, जो दो वेक्टर का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, एंड सपोज ये वेक्टर है बी वेक्टर, ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जब आपके पास क्या होगा बच्चों, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। देखो बच्चों इसका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम, ठीक है, देन इस टाइप ऑफ वेक्टर का हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। टू वेक्टर्स आर सेम टू बी पैरेलल, सॉरी इट्स नॉट पैरेलल, इट्स इक्वल,
prove that your substrate will be equal if they have the same magnitude and direction. जब दोनों का magnitude and direction same, ठीक है, जब दोनों का magnitude and direction same, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, equal vectors बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखो बच्चों नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है, ठीक है, एक वेक्टर एक वेक्टर ए को, ठीक है, एक वेक्टर ए को और एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को बोलेंगे जब फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है ना, बट डायरेक्शन ऑपोजिट, वो दोनों वेक्टर का हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज बच्चों ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, एंड सपोज ये आपका माइनस ए वेक्टर, यानी कि सपोज ये एक वेक्टर है एंड यहाँ एक वेक्टर है। अब देखो बच्चों दोनों का क्या है, जब मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन इस तरफ है एंड इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस ए, ठीक है ना बच्चों। एंड और एक चीज मैं आप लोगों को बोलती हूँ बच्चों, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा ए का ऊपर ये जो साइन है ना, हमेशा इस डायरेक्शन पे लिखना चाहिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि मान लो किसी वेक्टर अगर ऐसे है तो बच्चे ऐसे लिख देते, ठीक है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, राइट, इस डायरेक्शन में नहीं लिखना है, हमेशा आपका इस डायरेक्शन पे लिखना है, अगर स्मॉल लेटर के ऊपर आप अगर एरर मार्क दे रहे हो, राइट। तो इसमें आपका क्या हो रहा है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल हो रहा है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर, आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एक दो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।